हमारे देश में मुसलमानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षा से लेकर नौकरियों तक में मुसलमानों का पिछड़ापन सबके सामने है। आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समाज में अभी भी बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उन्हें कामकाज सिखाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से इस स्थिति में बदलाव आया है। हर क्षेत्र में मुस्लिमों का आगे आना शुरू हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में मुसलमानों में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ऐसी खबर सामने आई है कि जो मुसलमानों के शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझानों को दर्शाती है। दरअसल आजमगढ़ के मुबारकपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अबुल कलाम ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग को पास कर ली है। उन्होंने आईएएस की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि यह एक बहुत कठिन परीक्षा होती है जिसे पास करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। औसत दर्जे के विद्यार्थी के लिए इसे पास करना असंभव जैसा ही होता है। इसमें परीक्षा में पास होने वाले युवा देश की प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनते हैं। यहीं से चयन होने के बाद युवक कलेक्टर एसपी राजदूत राजनयिक वन पदाधिकारी आदि विभागीय सचिव कमिश्नर जैसे पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। यही कारण है कि देश के हर एक नौजवान अपने सुनहरे भविष्य के लिए आईएएस की परीक्षा पास करने का सपना देखता है। आजमगढ़ के रहने वाले अबुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे। उनकी शुरुआती शिक्षा मदरसा इस्लामिया अशरफिया से हुई और उसके बाद उन्होंने मुबारकपुर के ही इंटर कॉलेज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद वे लखनऊ चले गए और वहां से उन्होंने बीटेक किया। उनकी इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। वहीं अबुल कलाम के मोहल्ले में तो ऐसा लग रहा है जैसे ईद मनाई जा रही हो। अबुल का परिवार उनकी इस कामयाबी से काफी गर्व महसूस कर रहे हैं और क्यों ना करें, उन्होंने अपने परिवार का नाम सारे देश में रोशन जो किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।